हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीआरएस यूनिवर्सिटी के बीएड के जो एग्ज़ाम वो ऑनलाइन चल रहे हैं, और बीएड सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर था नॉलेज एंड करिकुलम, उसका पेपर आपका 26 अक्टूबर को हुआ था। और ये एग्ज़ाम था जो लगभग 45,000 स्टूडेंट को देना था, लेकिन नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का एग्ज़ाम सिर्फ 50% स्टूडेंट ही दे पाए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को फर्स्ट पेपर में ही बहुत सारे टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उनका वो फेस करना पड़ा, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक नोटिस निकाला है। ये रहा हमारा सीआरएस यूनिवर्सिटी का नोटिस, जिसमें बताया है कि 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जो फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम फर्स्ट पेपर है बी एंड सेकेंड ईयर का, वो सिर्फ 21,166 स्टूडेंट ने ही दिया है, यानी वही स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर पाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी उनको फेस करना पड़ा, और ये एग्ज़ाम है वो अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाए। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी के पास कहीं बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, ईमेल आई थी या फ़ोन आई थी इस इशू के रिगार्डिंग, और उनसे अनुरोध किया था। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी जो, उन्होंने बच्चों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जो फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, उस पेपर को दोबारा से रिकंडक्ट करवाने का फैसला लिया है। अब जो ये पेपर है, इस पेपर के अंदर जिन स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आई है या फेस करनी पड़ी है, तो वो इस पेपर को दोबारा दे सकते हैं। ये क्या है, पूरी तरह से ऑप्शनल है, दिस इज़ ऑप्शनल, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया वो भी दोबारा इस पेपर को दें। अगर वो चाहें, या फिर उन्हें किसी तरह की दिक्कत आई, या फिर उन्हें लगता है कि हमारा एग्ज़ाम टेक्निकली प्रॉब्लम या अभी किसी और इशू से हमारा एग्ज़ाम जो है वो सही नहीं हुआ, तो वो इस एग्ज़ाम को दोबारा दे सकते हैं। इसका शेड्यूल क्या है, ये जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम का जो एग्ज़ाम होगा वो आप कि 10 तारीख यानी 10 नवंबर को ये एग्ज़ाम रखा गया है, और इसकी जो टाइमिंग होगी वो शाम के 3 बजे होगी, 3 PM लिखा हुआ है, ये आप नोटिस के अंदर देख सकते हो। और ये एग्ज़ाम है जो, ये आपको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है, या फिर आपके पास जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, ये उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा, और आप यहाँ से लॉगिन करके वो एग्ज़ाम जो है आप उस दिन वहाँ पर दे सकते हो। नोटिस में ये भी लिखा गया है कि आप जब 10 नवंबर को ये एग्ज़ाम देंगे, तो आप वहाँ पर लॉगिन जो है स्टार्ट कब होगा, वो है 2 PM यानी 2 बजे से लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 2 बजे से पहले अगर वहाँ लॉगिन करोगे तो शायद वहाँ पर लॉगिन ना हो, तो आप 2 बजे ही वहाँ पर लॉगिन करके देखना, और आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।